चलाओ भाई, मैं गिर जाऊंगा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। क्यों इतनी स्पीड में चला रहे हो? पंडित जी मुहूर्त का टाइम हो रहा है। इंसान जिंदा रहेगा तो मुहूर्त दिखाओगे ना, मुहूर्त के चक्कर में मार डालोगे। जल्दी पहुँचने के चक्कर में हड्डी पसली टूट जाएगी, तुम्हारी उम्र में जुड़ जाएगी, मेरी उम्र में नहीं। थोड़ा आराम से चलाओ भाई। पंडित जी हम पहुँच गए, उतरिए। कहाँ पहुँचे? घर पहुँच गए। आइए छोटे शास्त्री जी, कैसे हैं आप? देखकर पता लगा ये कैसा हूँ। क्यों, उसने आपको टेंशन दी क्या? डरा दिया। इनके डर की वजह से तो देर हो गई, नहीं तो कब के पहुँच चुके होते। अब और देर मत करो, जाकर सपना को ये साड़ी दे दो। बड़े पापा। गणपति शास्त्री जी कैसे हैं? भगवान कैसे होते हैं, अच्छे ही होते हैं। अच्छा ठीक है, आप बातें कीजिए। उनका नाम यूज करके आपने भी तो पेट भर कमाया है ना। हमारा जान की बातों में बहुत और काम में कम है। थैंक यू जी। परेशान मत होइए, इसको तारीफ और बेइज्जती समझ में नहीं आता। ऐसे मूर्ख को पैदा क्यों किए? क्या हुआ, इतना लेट क्यों? रजिस्टर मैरिज इतना आसान होता है क्या? रजिस्ट्रार को, पियून को, विटनेस को, सबको मैनेज करना होता है। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। ठीक है, शास्त्री जी की दी हुई साड़ी है, इसको पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ और आखिरी बार हम सबकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, ओके ना? चंदू, हां, आई लव यू। मी टू, गेट रेडी। हाय पप्पे, बहुत मोटा हो गया है। इसकी माँ भी मेरे साथ बहुत रहते थे, ये भी ऐसा ही है। आश्रम में था तो बहुत छोटा था, देखो अब कैसा हो गया। आजकल ना इंसान से कुत्तों की वैल्यू ज्यादा हो गई है। चिंता मत करो, इस जन्म में इंसान हो लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी भी वैल्यू होगी। चंदू रुको, अरे हो जाएगा ना, क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने यहाँ खड़ा किया सपना। सपना जल्दी आओ। देखो ये साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है, यही दिखाने तो बुलाया है। बाद में भी देख सकते हैं ना? बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। चांस क्यों नहीं मिलेगा? मतलब बाद में आप लोग शादी के काम में बिजी हो जाएंगे ना, तो देखने का चांस नहीं मिलेगा। सही कहा, सही कहा ना। चलो सबका आशीर्वाद ले लो। ए, तुम छोटे बच्चे हो, तुमको पता नहीं कि ये आशीर्वाद शादी के बाद लेते हैं तो फिर अभी क्यों? मामा जी आखिर में क्यों आशीर्वाद लेना, तब तक सब लोग थक जाते हैं और तब तक सबको नींद भी आ जाती है। सपना हो गया ना, चलो रेडी हो जाओ, जाओ और आप लोग अपना काम करो। चलो चलो आप लोग भी काम, चलो। सरप्राइज देने वाले थे, क्या हुआ सरप्राइज का? बस 10 मिनट के बाद सपना के रूम में जाके देखिए, खुद ही पता चल जाएगा। काफी समय हो गया, सरप्राइज क्या होगा? बेटी सपना, सपना, जीजा जी! अरे और कितना लेट, हमारा हीरो आ गया। रुको जरा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा। दुल्हन को मेकअप करने में देर हो गई। कितना लेट? अरे भाई मुझे आरएस ब्रदर की शादी में जाना है। शादी में आप नहीं भी गए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की तो मतलब वो बड़े घर वाले की शादी है ना, तो बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन इस शादी में आप ही बड़े हैं तो। ओके 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 ओके, ये लो यहाँ साइन कर दो। थैंक यू। इनकी फोटो ले लो। हाँ, अगर ये हेल्प नहीं करता तो हमारी शादी नहीं हो पाती, पता है? जनरली लव मैरिज में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन हम दोनों की आपने बहुत हेल्प। भाई मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई, अब आप लोग ओवर एक्साइटेड होकर मेरे पैर मत पकड़ना, उल्टा आप लोग का थैंक्स। नहीं थैंक्स मत बोलिए। अरे बोलने देना यार, आपने अपनी ड्यूटी की ना, उसके लिए थैंक्स क्यों बॉस। ओह करेक्ट है। एनीवेज सपना को हमारे घर में सब प्यार करते हैं। मैं तो बिल्कुल फ्री था अपने घर में। अरे सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था। आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया, मैं भी सपना की तरह ही अपने घर में सबको छोड़कर आया हूँ। न्यू जर्सी में जॉब भी कंफर्म हो गया है हमारा। वी आर फ्लाइंग टुनाइट, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। तुम्हारा सिलेक्शन ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग भी ठीक है, लेकिन मेरा फ्यूचर थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या, तुमको गारंटी उस घर में नहीं आने देंगे। अब क्या करोगे तुम? बैक टू बल्लारी, 6 महीने की इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, बाद में क्या होगा देख लेंगे। घर में इतना सब कुछ हो रहा है, किसी को पता नहीं चला क्या? वो सरप्राइज सरप्राइज बोल रहा था, लेकिन ऐसा सरप्राइज नहीं सोचा था। वो किसी से प्यार करती थी और हमें नहीं बताकर बहुत बड़ी गलती की उसने। उन दोनों की शादी करा के उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। आज के बाद उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, इस घर में उसका कोई नाम तक नहीं लेगा। फंस गए यार। ये ऐसे रो क्यों रही है बे? कुछ नहीं हुआ भाई, बिना मतलब रो रही। अच्छा, बिना मतलब रोते हैं क्या? क्या बोला इसको तूने? कुछ नहीं भाई, वो हॉस्टल में बहुत फ्रीडम होता है ना, बस वो यूज करने को बोला था, और कुछ नहीं। बस इतना ही? हाँ, उसी के लिए तो रो रही है। ये कुछ बोल रहा था ना, इसका आंसर दे दो। चलो। हे, हे, तुझे चप्पल से मारूंगी क्या? तू फ्रीडम फाइटर है क्या? हीरो समझता है, हीरो समझता है खुद को, हीरो समझता है। हाँ, तो लड़की को सताएगा, लड़की को सताएगा, इतनी हिम्मत तेरी? ये बाहर से आके यहाँ के लोकल बंदे को मार रहा है, अच्छा नहीं होगा। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया, अब कुछ नहीं हूँ, मैं रेडी हूँ। क्या रेडी, क्या रेडी बोलना, क्या रेडी बोल, रेडी रेडी बोल। ये कॉलेज है या फिर मार्केट, जान ले लोगे क्या? कुछ नहीं होगा सर, इसको फिजिक्स में एक डाउट है, वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी, वरना डाउट क्लियर हो जाता। ये नहीं चलेगा, तुम दोनों के तेवर से ही मैं सब समझ गया हूँ। चलो जाओ यहाँ से।
चल 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 अब से नो रूल्स, किसी को छोड़ना मत। ओके भाई। पास कर। ये देख। दर्द। बॉल पास कर। चंदू वो लोग गलत गेम खेल रहे हैं। यस, हम भी ऐसा ही खेलेंगे, समझ गए ना? इधर पास कर, ये इधर, ये बॉल से आगे ना, ये सामने से ना, सामने से। Esquito. हम जीत कर एंजॉय करने के लिए और तुम लोग हार कर फील होने के लिए हमने गेम नहीं खेला है, तो ये झगड़ा क्यों? वैसे हमारे बीच में झगड़ा क्या है बे? तुम लोकल और हम नॉन लोकल, बस इतना ही ना। कुछ दिनों में कॉलेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, तो लास्ट फ्यू डेज में हम मिलकर एंजॉय करेंगे। कैसे एंजॉय करें? उसने मेरा मुंह तोड़ दिया। सामने वाले को दुश्मनी का फील दोगे तो वो भी हमें दुश्मनी समझेगा, और दोस्ती का फील करवाओगे तो दोस्त समझेगा। के लिए मैं रेडी हूँ।